नमस्कार साथियों, 25 जून 2024 वार की यदि बात की जाए बृहस्पतिवार, आज केएलसी में गिरावट रही। केएलसी 42 रिंगट गिरकर 3856 पर बंद होती हुई नजर आई। विदेशी बाजारों में भारी गिरावट के बावजूद सरसों के बाजार स्टेबल से नेगेटिव दिखते हुए नजर आए। यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जयपुर कंडीशन स्टेबल रही, प्लांटों में भी स्टेबिलिटी देखने को मिली। कोई बड़ा परिवर्तन आज कीमतों में देखने को नहीं मिला है, पर गिरावट एक तरफा विदेशी बाजारों में देर रात सीबोट में भी थी और आज पूरे दिन भर केएलसी में भी रही। अब यदि भाव की चर्चा करें तो जयपुर 6050 से 6075 रुपये 42 कंडीशन मील डिलीवरी होती हुई नजर आई। कच्ची घानी के यदि भाव की बात की जाए तो जयपुर 114 रुपये 50 पैसे प्रति किलो कच्ची घानी बिकती हुई नजर आई। खड़की भी यदि बात की जाए तो खड़की कीमतों में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। 2760 रुपये के बाजार 2680 रुपये के बाजार खड़के भी मणते हुए नजर आए। वहीं यदि और दूसरे बाजारों की बात की जाए तो भरतपुर 5731 रुपये प्रति क्विंटल खुली, खैरतल मंडी 5780 से लेकर 5800 रुपये के बाजार रहे। यदि बात की जाए खेरली भी 5730 रुपये के बाजार रहे। बड़ौदामेव की बात की जाए तो बड़ौदामेव 5850 रुपये के बाजार रहे। अलवर की बात की जाए तो अलवर 5825 रुपये प्रति क्विंटल बिकती हुई नजर आई। बैरोड भी 5800 से 5850 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार रहे। टोंक 5700 रुपये, निवई 5720 रुपये, मालपुरा की बात की जाए तो 5842 कंडीशन के बाजार रहते हुए नजर आए। दूसरी ओर यदि हम बात करें मेड़ता मंडी की तो मेड़ता मंडी में 40 जो लैब है उसका जो बाजार है 40 जो लैब है उसका जो बाजार है आज 5500 रुपये प्रति क्विंटल आज देखने को मिला है। वहाँ भी कीमतों में कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ नज़र नहीं आया है। उसके अलावा सुमेरपुर की बात करें तो सुमेरपुर 5900 रुपये 5950 रुपये 42 कंडीशन मील डिलीवरी के बाजार रहते हुए नज़र आए हैं। वहीं यदि हम बात करें जोधपुर 5450 रुपये 40 लैब के बाजार रहते हुए नज़र आए, 5450 रुपये। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की बात की जाए तो वहां पर जो कमोवेश स्थिति देखने को मिली है वो लैब प्लस 1500 तक बिकता हुआ नजर आया। बीकानेर में 5450 रुपये ऊपर में माल बिका है। सेखावटी में भी 5450 रुपये की कमोवेश स्थिति देखने को मिली है। अब यदि हम बात करें हरियाणा के बाजारों की ओर तो हरियाणा के बाजारों में जहां पर दादरी की बात है तो दादरी आज 5900 रुपये 5925 रुपये 40 लैब के बाजार रहे। 5850 रुपये भिवाणी के बाजार देखने को मिले। शिवानी 5750 रुपये के बाजार रहे 40 लैब मील डिलीवरी के। रेवाड़ी 5800 रुपये बिकती हुई नजर आई। दूसरी ओर सिरसा की बात करें तो सिरसा 5500 रुपये, वहीं एलनाबाद 5475 रुपये और उसके अलावा आदमपुर मंडी की बात की जाए तो 5520 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार रहे। उत्तर प्रदेश के बाजारों का रुख करेंगे तो उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडी 5500 रुपये के बाजार रहे। जगनेर मंडी 5900 रुपये पर बिकती हुई नजर आई। वहीं यदि हम बात करें अलीगढ़ 5400 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। उसके अलावा 5350 रुपये झांसी के बाजार रहे। 5350 से 5400 लेके इटावा, मैनपुरी, हाथरस और कानपुर ग्रामीण तक बिकती हुई नजर आई है मंडियों में। दूसरी ओर यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के बाजारों का तो मध्य प्रदेश के बाजारों में अशोकनगर मंडी के भाव की बात की जाए तो अशोकनगर मंडी आज 5500 रुपये, वहीं यदि ग्वालियर मंडी की बात की जाए तो 5550 रुपये के बाजार आज ग्वालियर मंडी में भी रहते हुए नज़र आए हैं। उसके अलावा यदि अब प्लांटों के भाव की बात की जाए तो गोयलकोटा के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 5850 रुपये के बाजार रहे। और सलोनी के भाव की बात की जाए तो सलोनी 6425 अलवर, 6375 कोटा, शमशाबाद दिग्नेर 6475 और मुरैना के 6500 रुपये के बाजार आज रहते हुए नजर आए। तो सरसों के बाजारों में ये स्थिति देखने को मिली है जहाँ सरसों के बाजार स्टेबल से नेगेटिव रहे, प्लांट मैं कहूँ तो स्टेबल से ही रहे। वहीं मंडियाँ गिरती हुई नजर आई है। विदेशी बाजारों का दबाव, साफ तौर पर भारतीय बाजारों में गिराकी का अभाव तेल में अब देखने को मिल रहा है। सरसों तेल का जो प्रीमियम है इस समय वो लगातार सोया ऑयल से मना हुआ है। वही मैं बात करूँ तो 20 रुपये का प्रीमियम अभी भी बाजारों में चलता हुआ है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।